नाम के बाद ट्रिपल आर से अब किन किन बड़ी हस्तियों का नाम जुड़ चुका है, क्या होने वाली है ट्रिपल आर की खास बातें, कि ये बाहुबली को टक्कर दे पाएगी और अजय देवगन इसके लिए फीस चार्ज क्यों नहीं कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज़, मैं हूँ सोनिका जुआल। जब से ट्रिपल आर का टीज़र रिलीज़ हुआ है, ट्रिपल आर की खबरें हैं, तभी से इसका बज़ और भयंकर बनता जा रहा है और दिन ब दिन जो इससे एक्टर्स जुड़ते जा रहे हैं उसका अलग फ़ैन बेस होता जा रहा है, उसकी अलग चर्चाएं हो रही हैं। हाल फिलहाल में आमिर खान का नाम जुड़ा है इस फिल्म से और जब जूनियर NTR और रामचरण का एंट्री सीन होगा उससे पहले वॉइस ओवर आएगा आमिर खान का। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म को 5 भाषाओं में बनाया जा रहा है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तो जब हिंदी वर्जन में आप ये फिल्म देख रहे होंगे तो रामचरण और जूनियर NTR की जब एंट्री होगी तो उससे पहले बजेगा आमिर खान का खतरनाक सा वॉइस ओवर। ऐसे ही तेलुगु में आपको सुनाई देगी चिरंजीवी की आवाज़ जो कि मेगास्टार है साउथ के। इसके अलावा जब कन्नड़ा में आप सुन रहे होंगे तो शिव अन्ना की आवाज़ सुनाई देगी, मलयालम में मोहनलाल सर की और तमिल में आपको आवाज़ सुनाई देगी विजय सेतुपति की। तो है ना दिलचस्प बात। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियां इस फिल्म से जुड़ चुकी हैं। बाहुबली से बड़े बजट का ये प्रोजेक्ट है, 400 करोड़ इसमें लगाया गया है और बाहुबली का स्केल आपने देखा ही होगा, तो इससे भयंकर स्केल यानी कि ट्रिपल आर का होने वाला है। और बॉलीवुड से भी अजय देवगन तो फिल्म में नज़र आएंगे, एक्सटेंडेड कैमियो रोल होगा, आलिया भट्ट नज़र आएंगी। और अजय देवगन के बारे में ये खबर है कि उन्होंने फीस नहीं चार्ज की है फिल्म के लिए, इसका एक रीज़न है। दरअसल अजय देवगन और SS राजामौली बहुत अच्छे दोस्त थे और इनकी दोस्ती ईगा में हुई थी। आपको याद हो ईगा यानी कि जो हिंदी में मक्खी बनी थी, तो वहीं उनकी मुलाकात हुई थी और मक्खी में अजय देवगन और उनकी वाइफ काजोल ने वॉइस ओवर दिया था। तो तभी से इन दोनों की गहरी दोस्ती हो गई, यानी कि ट्रिपल आर के जो डायरेक्टर हैं SS राजामौली और अजय देवगन की। अब ये दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि जब ट्रिपल आर के लिए फ़ीस उन्हें ऑफ़र की गई, अजय देवगन को कई बार ऑफ़र की लेकिन अजय देवगन ने मना कर दिया, जबकि तगड़ी फीस ऑफर की गई थी जितना ट्रिपल आर के लीड जो जूनियर NTR है और रामचरण है उतनी ही फीस चार्ज की गई थी, उतनी ही ऑफर की गई थी, लेकिन अजय देवगन ने अपनी दोस्ती के खातिर ठुकरा दी। तो यही हमारे सिंगम, यही उनकी खास बात है, जब दोस्ती निभाते हैं तो ऐसे ही निभाते हैं। तो दोस्तों बहुत बड़ी ये फिल्म होने वाली है और सभी का इंतज़ार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब इस फिल्म से जुड़ी कोई भी अपडेट सामने आएगी तो हम आपको बता देंगे। ये अपडेट्स आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए, बॉलीवुड की खबरों के लिए, टॉलीवुड, हॉलीवुड वेब सीरीज़ के रिव्यूज़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।